आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। प्राइम टीवी चैनल से बदायूं जिले के ग्राम विलहरी के प्रधान खालिद खान ने खास बातचीत की। प्रधान खालिद खान ने बातचीत के दौरान कोरोना महामारी को देखते हुए सभी नगर वासियों से घर पर रहने की अपील की। साथ ही उन्होंने प्राइम टीवी चैनल के जरिए ग्राम विलहरी में विकास को लेकर भी जानकारी जनता तक पहुंचाई। नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में हूं आपके साथ राजन पाठक। सभी सियासी दल मैदान में आ चुके हैं और सभी दलों के नेता या घर जा जाके सभी जनताओं से मिल रहे हैं। जी, जो जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विलहरी के प्रधान खालिद खान जी। आइए, हम बात करते हैं कुछ खास बातें। प्रधान जी, बताइए विकास को लेकर आप गाँव क्या काम कराए? गांव में काम तो हमने बहुत कराया और बाकी भी है होने के लिए। पहले तो जो हमारे यहाँ मेन रोड था, जो गांव में घुसते थे, तो आपने वहाँ कीचड़ दलदल भी देखा होगा। तो भले PWD से बना, मैं कोशिश हमारी बहुत रही इसमें बनवाने की। जगह जगह योगी सरकार ने गौशाला खुलवाई थी, फिर भी आज इन सड़कों पर गाय घूम रही, किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? ना, वो तो बर्बाद हो रही है, गायों से नुकसान तो बहुत हुआ है। इसमें तो कोई सही नहीं है, कोई दोहराया ही नहीं, बहुत नुकसान हुआ। योगी सरकार आज दिन जिलाधिकारी को आदेश देती है, लेकिन उसके बाद भी इतनी लापरवाही क्यों? आदेश मिल दिए गए, मगर किसी ने कार्रवाई नहीं की, ना कहीं पकड़ी गई। किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? वो तो नुकसान है ही, बहुत है, इसमें क्या कर सकते। गायों का ही है जो भी कुछ है ना, तो सरकारों देखना चाहिए। हमें पकड़ के बंद कराना, गौशालाएँ भी बनवाई, प्रधानों के चार्ज भी दिए गए, पैसे भी दिए गए हैं प्रधानों को। हमारे यहाँ तो नहीं है फिलहाल में, मगर जहाँ गौशाला बनी हुई हैं वहाँ प्रधानों से पूछा जाए, भाई तुम्हारे यहाँ गौशाला है तो ये क्यों है खुले हुए, बांधते को नहीं है। BJP सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, अगर हमारी सरकार आएगी तो सड़कें गड्ढा मुक्त करी जाएंगी। बिल्कुल मुक्त होंगी, गड्ढा मुक्त होंगी। हमारे यहाँ का रोड तो इतना टूटा हुआ है, वो तो 5 साल में एक कुछ भी नहीं हुआ, पूरा रोड टूटा हुआ है। बिलहरी से लापुर का रोड आप देखें जाकर, रोड है ही ना कहीं पर, गड्ढे गड्ढे हैं। BJP सरकार में एक योजना लाई गई थी गरीबों के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो सिर्फ नगर पंचायत और नगर पालिका को नहीं रहती, ग्राम विकास लोगों में, कि गरीब लोग नहीं रहते उनके लिए ये योजना क्यों नहीं दी गई? एक जब भी एक कमरा भी नहीं आया गांव वालों के लिए, जो भी आए वो टाउन एरिया नगर पालिका के लिए आए। गाँव के लिए जब ब्लाक गए, हमने मालूम की कि लोग परेशान हैं, टीनें पड़ी हुई हैं, पन्नी पड़ी हुई हैं कमरों के लिए, बोले साड़ी नहीं खुली है गाँव की। जब गए पूछने के लिए कि साड़ी नहीं खुली हुई है, गाँव के लिए स्कीम खुली ही नहीं है, बस ये कहे। प्रधान जी, कुछ दिन पहले आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, जो कुछ आपके गांव के लोग मुर्दाबाजी के नाजे लगा रहे थे, आखिर क्या मामला था पूरा? वो मामला ऐसा था, जब मैं शुरू से बता रहा हूँ, जब हम प्रधान बने तो जो हमारे विपक्ष में था, पूर्व प्रधान था, उन्होंने अपने पार्टी के आदमी जो भी थे उन्होंने सबसे आदेश कर दिए थे कि सारे लोग समरसेबल चला के रखना, कोई भी जब तक लाइट आए समरसेबल चलते रहना चाहिए। और समरसेबल चले कि गांव की कीच जो वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये दिखाना चाहिए कि ये प्रधान आए तो इन्होंने कुछ नहीं करा, कीच बेसिक वैसी है। ठीक, हमने चलो करो आप, कोई बात नहीं, हमने उनसे मना नहीं करा किसी से। सारी मिट्टी डलाई, रोला डलाया, थोड़ी एक सड़क थोड़ी उठवा के सारे रोड नए डलवा दिए हमने। ठीक, कीच ख़त्म हो गई। अब क्या हुआ, अब एक गली बची हुई जिन्होंने उस दिन उन्होंने ये बैठे थे लोग, अखबार में भी निकलवाई, तो वहाँ पर मुद्दा ये था, जैसे हमने देखा पानी बढ़ा हुआ है, जनता बहुत परेशान थी निकलने के लिए पानी के लिए, तो हमने पहले मिट्टी डलाई उसमें, हमने निकलने की सुविधा हो जाए। उसके बाद वो अचानक बरसात आ गई, अब आप क्या करोगे बोलो? जब बरसात आ गई तो हर जगह कीच है, बिलहरी की थोड़ी है। बिलहरी को पहले के देखें आप, 8 महीने पहले देखें, मैं फोटो भी दिखा दूँगा, पुराने वीडियो भी पुरानी दिखा दूंगा, कितनी गलियां, कितना कीचड़, कितनी गंदगी थी पहले वाले में। और आज देख लो बिलहरी जाके कैसी बिलहरी है, और एक बरसात हो रही है वो तो हर जगह कीच होती है। कम से कम ये देखो काम दूसरा करा रहा है, और पूरे ज़िले में, आप मैं ब्लॉक ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, आप पूरे ज़िले में घूमें, सर्वे करें कि 6 महीने प्रधानी में होने के बाद किस प्रधान ने इतना काम कराया जितना मैंने कराया। आज सरकार मेरा हिसाब करे तो कम से कम उसमें खाते में पैसे ही नहीं है। मैंने 25-30 लाख का काम करा दिया बिलहरी के अंदर, सारी सड़कें सही कराई, देख लो कहीं सर्वे करो आप, बिलहरी से ज़्यादा कहीं भी आप काम मिले। जो पंचायती घर देखना आप जाके, पहले कैसा था उसका फोटो दिखाऊंगा, आज पंचायती घर देखें आप अपना जाके कितना बेहतरीन बना। पहले का स्कूल देखें, आज स्कूल में टाइल बेहतरीन बढ़िया हो रहा है,
आज के स्कूल देखो जाके बिलहरी का कैसा हो रहा है। नमस्कार प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम और खबरों के बीच फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।